हाय स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स अभी मैं एक और वीडियो पार्ट टू बना रहा हूँ एसर्शन रीजनिंग की, जिसमें हम पी ब्लॉक के एलिमेंट्स के और हेलो अल्केन हेलो ओरिन्स के एसर्शन रीजनिंग क्वेश्चंस करेंगे। तो देखो बच्चों, अगेन आपके सामने लिखा हुआ है कि अगर दोनों बातें सही हैं और वो उसका सही एक्सप्लेनेशन है रीज़न, तो हम उसमें ए बोलेंगे। अगर बी हम कब बोलेंगे बेटा? बी हम तब बोलेंगे जब एसर्शन भी ठीक है, रीज़न भी ठीक है, लेकिन वो उसका जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। और अगर एसर्शन सही होगा, रीज़न गलत होगा तो सी, और अगर एसर्शन गलत होगा, रीज़न सही होगा तो डी। तो देखो बेटा, तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, नाइट्रोजन हैज अ टेंडेंसी टू फॉर्म पी पाई बॉन्ड विद इटसेल्फ, गिविंग राइज टू फॉर्मेशन ऑफ एन टू। बच्चों ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, और दूसरी स्टेटमेंट भी बच्चों बिल्कुल ठीक है, लेकिन बस बात ये है यहाँ पर कि ये एक्सप्लेनेशन नहीं है उसका, तो इसका आंसर हो जाएगा बेटा बी। बच्चों बाई चांस की बात है, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है इस बार के लिए डिलीटेड, तो मैं इस पर बात नहीं करूंगा। अगर बच्चों HCF4 और HCF6 हम दोनों का हाइड्रोलिसिस करते हैं तो HCO3 बनता है, ये बिल्कुल ठीक है। और स्ट्रक्चर ऑफ दीज जेनॉन, ये दीज है बेटा, जेनॉन क्लोराइड्स कैन बी डिड्यूस फ्रॉम BSEPR थ्योरी, ये भी बिल्कुल सही है, लेकिन अगेन ये उसका सही एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो इसका आंसर भी हो जाएगा बी। हीलियम बिल्कुल बेटा, आपने सोल्यूशन चैप्टर के अंदर भी पढ़ा हुआ है कि वो डाइविंग एपरेटस में यूज होता है, ये बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है, लेकिन बेटा आर्गन नहीं यूज होता, नियॉन यूज होता है डिस्चार्ज ट्यूब्स में और फ्लोरेसेंट बल्ब्स के अंदर, तो इसका आंसर हो जाएगा बेटा सी। फिर कहते हैं बेटा, ऑल द नोबल गैसेज हैव NH2NP6, बिल्कुल ठीक है बेटा। एटॉमिक रेडियाई इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर, ये भी बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगेन वो उसका सही एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो बी पार्ट हो गया। नोबल गैसेज हैव वेरी लो बॉइलिंग पॉइंट, बिल्कुल ठीक है। नोबल गैसेज बीइंग मोनोएटॉमिक हैव नो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस एक्सेप्ट वीक डिस्पर्जन फोर्सेस, ये भी ठीक है, और ये उसका सही एक्सप्लेनेशन भी है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। आफ्टर दैट बेटा हमारे पास है क्वेश्चन नंबर सेवन, तो क्वेश्चन नंबर सेवन में बोलते हैं बेटा, बर्निंग ऑफ सल्फर और सल्फाइड और जनरेट SO2, ये भी बिल्कुल ठीक है। रोम्बिक सल्फर इज इनसोल्यूबल इन वाटर बट डिसॉल्व्स रेडिली इन CH2, ये भी बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये इसका सही एक्सप्लेनेशन जो है वो नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर सेवन का अगेन बी पार्ट। उसके बाद है बेटा क्वेश्चन नंबर, अगर हम देखें एट, तो एट क्वेश्चन में कह रहे हैं स्टेबिलिटी ऑफ -2 ऑक्सीडेशन स्टेट इन ग्रुप 16 डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। बच्चों ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, ठीक है ना, डीजे की डिक्रीज हो जाती है, और एनामलस बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन इज ड्यू टू इट्स लार्ज साइज। बच्चों ये स्टेटमेंट जो है वो गलत है। यस बेटा, तो बेटा आप देख सकते हैं यहाँ पर के जो स्टेज जो स्टेबिलिटी है -2 ऑक्सीडेशन स्टेट की, वो नीचे आगे इंक्रीज होती है, बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है। एनामलस बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन उसके लार्ज साइज की वजह से नहीं होता, उसके स्मॉल साइज की वजह से होता है, तो इसका मतलब बच्चों ये वाली स्टेटमेंट भी जो है वो गलत है, तो बच्चों इसका आंसर क्या बनेगा, ऑटोमेटिकली सी बन जाएगा बेटा। आफ्टर दैट बेटा कहते हैं कि जो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट है ऑक्सीजन और सल्फर का, मे बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटोमिसिटी, ये बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है बेटा, और ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल ठीक है। ऑक्सीजन को जो है ना वो क्लोरेट्स नाइट्रेट्स को हीट करके ही बनाते हैं, लेकिन अगेन वो उसका एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा बेटा बी। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर लीड्स टू रिलीज ऑफ हाइड्रोजन एट एनोड एंड ऑक्सीजन एट कैथोड, गलत हो गया बेटा, ये कैथोड होना चाहिए था और ये एनोड होना चाहिए था, यानी कि ये स्टेटमेंट जो है वो गलत है, लेकिन ये स्टेटमेंट ठीक है बेटा कि ऑल एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16 ऑक्सीजन एक्सेप्ट ऑक्सीजन फॉर्म डाइक्लोराइड्स एंड डाइब्रोमाइड्स, ठीक है बेटा। जैसे कि S2, जैसे आप कह सकते हो कि H2Cl2 बनता है बेटा, फिर ऐसे ही जो HCl2 सॉरी HCl2 बनता है बेटा, SBr2 बनता है, ऐसे सारे ही बनाते हैं, क्योंकि +2 ऑक्सीडेशन स्टेट तो सारे दिखाते हैं ना। तो ये था बच्चों एसर्शन रीजनिंग क्वेश्चन पी ब्लॉक। उसके बाद आते हैं बेटा हेलो अल्केन हेलो ओरिन्स के ऊपर। हेलो अल्केन हेलो ओरिन्स में अगर हम देखेंगे तो इन केस ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव अल्काइल हैलाइड्स द प्रोडक्ट फॉर्मड एज अ रिजल्ट ऑफ SN2 मैकेनिज्म हैज अ इन्वर्टेड कॉन्फिगरेशन, जो ये बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि SN2 में अटैक होता है पीछे से, तो ये बात बिल्कुल ठीक है, और वही उसका रीजन लिखा हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा बेटा ए पार्ट। फिर कहते हैं रेसिमिक मिक्सचर इज रिप्रेजेंटेड बाय फिक्सिंग डी एंड वो प्लस माइनस बेटा, ये भी बिल्कुल ठीक है, मिक्सचर में प्लस माइनस दिखाते हैं, और बच्चों ये स्टेटमेंट जो है वो गलत है। अल्काइल अराइल हैलाइड्स जो होते हैं दे आर एक्सट्रीमली लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, तो आंसर हो जाएगा बेटा इसका सी पार्ट। बच्चों ये बात भी बिल्कुल ठीक है कि स्टीरियोआइसोमर्स जो होते हैं नॉन सुपरइम्पोजेबल मिरर इमेजेस जो बनाते हैं उनको एनेंशियोमर्स कहते हैं, बिल्कुल ठीक है। ब्यूटेन डुओल एक कायरल कंपाउंड है, बिल्कुल ठीक है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा बेटा बी, एक्सप्लेनेशन तो नहीं है ना उसका। फिर उसके बाद बच्चों ये वाला जो है मैं आपको बताता हूँ, अल्काइल हैलाइड्स आर प्रिपेयर्ड बाय इलेक्ट्रोफिलिक हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन्स, रॉन्ग है बेटा, फ्री रेडिकल होना चाहिए था, और DDT भी सेफ जो है वो नहीं है।
ठीक है। उसके बाद आ जाएगा बेटा हेलो इथेन इज यूज, तो ये वाला बच्चों मैं डिलीट कर दूंगा क्योंकि ये इस साल के लिए नहीं है। आफ्टर दैट बेटा हम बात करेंगे के डेफिशिएंसी, द कंपाउंड इन विच हैलोजन एटम इज बाउंड टू एस पी थ्री हाइब्रिडाइज कार्बन एटम आर कॉल्ड विनाइलिक, गलत है बेटा, अलाइलिक बोलते हैं बेटा, सॉरी अल्काइलिक, वो अल्काइल होते हैं जिसमें एस पी थ्री होता है। उसके बाद आता है बेटा कॉमन नेम्स ऑफ अल्काइल हैलाइड्स आर ड्यूरेड बाय नेमिंग द अल्काइल हैलाइड फॉलोड बाय नेम ऑफ द हैलाइड, बिल्कुल ठीक है बेटा। जैसे कि हम बोलते हैं ना मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल क्लोराइड। और उसके बाद बच्चों ये वाला जो स्टेटमेंट है इथाइलिन डाइक्लोराइड, ये वाला स्टेटमेंट भी बच्चों ठीक है। और उसके बाद जब बच्चों नीचे जाएंगे तो साइज जो है वो इंक्रीज होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा बेटा सी पार्ट, ठीक है ना। और बच्चों इसका आंसर था डी पार्ट, ठीक है, इसको मैंने डिलीट कर दिया था। उसके बाद बच्चों अगर हम आगे की बात करें तो ये वाला स्टेटमेंट भी ठीक है, जब आप किसी को एच आई से रिएक्शन करवाओगे किसी एल्कीन के तो मार्कोनी को फ्रूट लगेगा, तो मेजर तो बनेगा 2-हाइड्रोप्रोपेन, लेकिन माइनर ये भी बनेगा। और ये स्टेटमेंट भी ठीक है कि अल्काइल ब्रोमाइड और आयोडाइड जो होते हैं ना उनका कलर बन जाता है जब वो लाइट को, लाइट की तरफ एक्सपोज होते हैं, बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है बेटा, यानी कि इसका आंसर भी अगेन क्या हो जाएगा बी। उसके बाद आप देख रहे हो बेटा कि बिल्कुल सही है, बॉलिंग पॉइंट का ऑर्डर यही होता है और अट्रैक्शन भी जो है बढ़ती है, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा ए। उसके बाद कहते हैं कि मिक्सचर कंटेनिंग टू इनैंशियोमर्स इन इक्वल प्रोपोर्शन इज कॉल्ड, बिल्कुल ठीक है बेटा, लेकिन ये गलत है ना, इसको क्या बोलते हैं बेटा याद है, इसको बोलते हैं ग्रिगनार्ड रिएजेंट, और वो सैंडमेयर थोड़ा डिस्कवर करेंगे, ग्रिगनार्ड तो ग्रिगनार्ड ही करेंगे ना। तो देखो बच्चों ये दो चैप्टर के एमसी, दो चैप्टर के एसेशन रीजनिंग क्वेश्चन आपको इतनी जल्दी करवा दी है, और भी बहुत सारी बच्चों वीडियोज एसेशन रीजनिंग के ऊपर बनाता रहूंगा। टिल यू जस्ट सब्सक्राइब माई चैनल केमिस्ट्री विद अनुज अरोड़ा एंड डू लाइक माई वीडियोज एंड डू शेयर द वीडियोज। थैंक्स अ लॉट स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, वेट फॉर द डिफरेंट, वेट फॉर द न्यू वीडियो।